खोजियों, गुड नाइट शुरू में ही गुड नाइट कहा गया अब कारण जानते हैं कि शिव हो या शाम रात्रि में जन्म होता है शिव या शाम शाम कृष्ण के लिए कहा गया है रात्रि शब्द से कोई बाहर की रात्रि न समझ ले क्योंकि रात्रि से अर्थ अंधेरा आता है जब शिवरात्रि हुई तब वह कैसी रात्रि थी क्योंकि तब अंधेरा भी नहीं था रोशनी भी नहीं थी क्योंकि अंधेरा और रोशनी तो मन के क्षेत्र की बातें हैं संसार बनने के बाद आई हुई चीज़ें हैं और फिर भी भाषा में बताना है तो कहा जाएगा शिवरात्रि ऐसी रात जो सदियों से चल रही थी और एक समय ऐसा आया कि वह रात वह शिवरात्रि महाशिवरात्रि बनी आज हम समझ रहे हैं कि महाशिवरात्रि कैसे मनाए कैसे मनाई गई है आज ऐसी क्या बात हम जाने जिससे हम निमित बन पाए जैसे शिव निमित्त बने उनमें जो गुण है वे अगर हम अपने आप में लाएं तो हम सच्चे भक्त बन सकते हैं हर त्योहार हर जन्मदिन कारण है आपसे मनन करवाने के लिए और इतना जोरदार मनन हो जाए कि वह आपके क्रिया में आने लग जाए तो एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे समझेंगे इस रहस्य को शिव शक्ति रहस्य को यदि स्टेज पर कोई डांस होने जा रही है नृत्य होने जा रहा है और जो नृत्यकार है डांसर है वो इतने तीव्र गति से नृत्य करता है कि देखने वालों को उसका चेहरा ही नहीं दिखाई देगा मोमेंट्स अगर बहुत फास्ट हो तो लोग उसका चेहरा देख ही नहीं पाएंगे मगर नृत्य शुरू होने से पहले जब वह स्टेज पर आया तो सभी उसका चेहरा देखेंगे और फिर नृत्य चलते वक्त भी लोगों को उनका चेहरा ध्यान में होगा वे पकड़ पाएंगे कि ये वही डांसर है जो स्टेज पर पहले आया था मगर जो लोग उस शो में लेट आएंगे जिन्होंने शुरुआत मिस की वे आके देखेंगे कि डांस और डांसर एक हो चुके हैं। डांस और डांसर दोनों एक है समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है उस डांस में है कौन डांस तो दिख रही है मगर डांसर नहीं दिख रहा ऐसी अवस्था होती है जिनको वह दृष्टिकोण नहीं है देखने का या जो लेट आए जो लेट आए उनको कुछ बताया जाए जिन्होंने शुरुआत देखी यानी शिवरात्रि के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ जिनको वो पता है वे ये रहस्य समझ सकते हैं लेट आने वालों को मनन करना होगा कि डांसर को कैसे देखना है मन देखना चाहता है मन को बाजू में रखकर कैसे दर्शन करे शिव दर्शन कैसे हो इस उदाहरण में समझ में आया कि डांसर नहीं दिखता जब डांस इतनी तीव्र गति पर आ जाती है तांडव नृत्य होता है नटराज नृत्य होता है तो डांसर दिखना बंद हो जाता है सिर्फ डांस दिखती है सिर्फ प्रकृति दिखती है सिर्फ पार्वती दिखती है सिर्फ शक्ति दिखती है असली चीज जो उसमें है वह गायब हो जाती है वो दिखना बंद हो जाती है और जब तक कोई इशारा न करे कि जो डांस है इसके अंदर एक डांसर है ये इतनी तीव्र गति से हो रहा है दोनों एक हो चुके हैं अर्ध नारीश्वर चित्र आप देखते हो शिव है शक्ति है ओम है उमा है दोनों एक हो चुके हैं और जो वे दृष्टिकोण रखते हैं वे पकड़ पाएंगे कि ये दोनों एक है मगर फिर भी दो बनकर अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो जो प्रकट हुआ है वह प्रकट नहीं होगा जैसे कोई डांसर स्टेज पर डांस कर रहा हो और जो थाप पड़ रही स्टेज पर पैर पटका जा रहा है तो उस वाइब्रेशन से स्टेज के चारों तरफ बल्ब लगाए होंगे वो जल उठते हैं अलग अलग तरह के बल्ब जलेंगे नृत्य की हर ताल पर बल्ब जलेंगे और उन सभी बल्बों की गति इतनी तीव्र होगी कि एक साथ कुछ दिखाई देगा जैसे आप देखते हो ना बल्बों के साथ कुछ शब्द लिखकर आते हैं लाइटनिंग जलती है आपने देखा होगा कुछ शब्द दिखाई देते हैं कुछ पिक्चर्स दिखाई देती है इसको और आसान उदाहरण से समझें कि अगरबत्ती जलती हुई लेते हो आप और जोर से गोल घुमाते हो तो एक वर्तुल दिखता है गोल दिखता है शून्य दिखता है एक शून्य मूर्ति दिखती है शिवलिंग दिखता है ये जो गोल दिख रहा है आप जानते हैं कि गोल है नहीं जिसने स्टार्ट की अगरबत्ती घुमाना उसको मालूम है गोल है नहीं यह प्रयोग तो हर एक ने करके देखा ही है दिवाली में करते हैं और ऐसे भी जब अगरबत्ती के साथ बच्चे खेलते हैं तो ऐसे प्रयोग करते ही है कि देखो कैसे पूरा गोल दिख रहा है आश्चर्य लगता है मैजिक लगता है लीला लगती है कि ये कैसे क्या क्योंकि जिन्होंने शुरुआत में देखा तो एक बिंदु था मात्र एक बिंदु था एक जलता हुआ चैतन्य छोटा सा बिंदु मगर जब वो वाइब्रेट हुआ यानी नृत्य में आया शिव जब एक्शन में आया तो कुछ प्रकट हुआ अगर वो नृत्य बंद करे तो क्या होगा जो प्रकट हुआ है बंद होगा यानी अगर आप गोल गुमाना बंद कर दोगे तो क्या होगा सब गायब हो जाएगा संसार गायब हो जाएगा और मात्र शिव बचेगा शक्ति गायब शक्ति यानी ये जोर से हम घुमा रहे शक्ति लगा रहे ना, शक्ति की वजह से ये दिख रहा है संसार जो है जो प्रकट हुआ है शिव के नृत्य के साथ वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्पीड है बिंदु को जब गति मिलती है शक्ति मिलती है तो संसार तैयार होता है और उस संसार में उस अगरबत्ती के उस हिस्से को देखना हो यदि आपको तो आपको कौन सा नॉलेज चाहिए आपको नॉलेज चाहिए तो आप हर जगह शिव देख सकोगे इतने लोग दिखेंगे आपको संसार में मगर आपको मालूम है एक ही चीज़ है जो वाइब्रेट हो रही है जिसकी तरंग में सब हो रहा ये गहरा रहस्य हम जल्द से जल्द समझ जाएं क्या समझ जाए कि जो भी देखोगे तो आप उसके बैकग्राउंड में कौन है कौन नृत्य कर रहा है फिल्म में देखोगे कि किसी फिल्म स्टार को नृत्य करते हुए तो आप कहोगे ये तो नृत्य कर रहा है उसके पीछे भी एक और नृत्य चल रहा है इस वजह से ये दिख रहा है वो नहीं होता तो ये नहीं दिखता हर नृत्य के पीछे एक और बड़ा नृत्य चल रहा है अगर शिव का नृत्य नहीं चल रहा होता तो ये नृत्य नहीं दिखता जो भी नृत्य आप देखते हो मगर उसके पीछे एक और नृत्य है जो शिव के भक्त है चैतन्य के भक्त है असली चीज के भक्त है सेल्फ के वे उसका ही नृत्य देखते हैं। सामने वाला कुछ भी कह रहा है मगर उनको वही दिखाई दे रहा है क्या नृत्य चल रहा है क्या बढ़िया अभिव्यक्ति चल रही है उनको जो आनंद आ रहा है वह डांस देखने का वह लीला देखने का सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने शिव को आराम की अवस्था में भी देख लिया अपने अंदर उस मौन में शिव को आराम की अवस्था में भी देख लिया जब डांस नहीं थी हर गहरी नींद में आप उस अवस्था में होते हो मगर सुबह कुछ याद नहीं रहता ना ही किसी ने समझ दी है कि हम कुछ मनन कर पाए समाधि में लोग शिव का दर्शन करते हैं यानी आंख से देखते हैं ऐसा नहीं वह अनुभव करते हैं जिन्होंने वो अनुभव कर लिया जिनको समझ आ गई कन्विक्शन हो गई वे हर नृत्य के पीछे असली नृत्य देखेंगे वो फिल्म भी देखेंगे तो फिल्म देखते वक्त फिल्म जिस स्क्रीन पर चल रही है देखो आपको एक फिल्म दिखाई जा रही उस फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है कि एक, एक स्क्रीन है एक पर्दा है स्क्रीन पर आपको एक पर्दे की सीन दिखाई जा रही समझो तो एक पर्दे की शूटिंग की है हमने <laughs> हमने स्क्रीन की शूटिंग की और वही आपको स्क्रीन पर दिखा रहे <laughs> तो आप कहेंगे ये दिख रहा है पर इसके पीछे एक और स्क्रीन है वो परमानेंट है <laughs> ये स्क्रीन आएगी जाएगी ये पर्दा आएगा जाएगा ये पर्दा बाधा बन सकता है ये पर्दा हम असली पर्दा ना समझ लें उसको जो फोटो है स्क्रीन पर फोटो है कहीं हम उसको ही असली सत्य न समझ ले मन में लोग जो उलझ जाते हैं बुद्धि में जो लोग उलझ जाते हैं ज्ञान का दावा करने लग जाते हैं 99 प्रतिशत उसमें उलझ जाते हैं ज्ञान के शब्दों को ज्ञान समझ लेते हैं शिव को बिना जाने तो शिव का नृत्य अगर देखने लग जाओगे तो आनंद होगा आनंद जिस वजह से शिव ने नृत्य शुरू किया उस महाशिवरात्रि में क्या हुआ शिव ने नृत्य करना क्यों डिसाइड किया लोगों के सवाल आते हैं ना क्यों जगत बनाया संसार बनाया क्या जरूरत थी इंसान बुद्धि से ज़रूरत की भाषा ही समझता है जो ज़रूरत है वही करो जो नहीं है जरूरत मत करो पर समझा ही नहीं कि आनंद से कुछ चीज़ें आती है आनंद जिनका कारण होता है और किसी कारण से नहीं किया जा रहा अभिव्यक्ति की जा रही है कुछ जाना है कुछ रहस्य खुले है इस वजह से आनंद चल रहा है शिव ने नृत्य करना शुरू किया और वह नृत्य आज सबको दिख रहा है मगर ये पता नहीं था तो आप शिव का नृत्य करके नहीं देखोगे बाहर जाओगे बिल्डिंगे देखोगे रोड देखोगे गाड़ियां देखोगे तो ये नहीं कहोगे कि ये शिव का नृत्य है मगर अगर वह आंख है तो वो नृत्य दिखेगा क्या बढ़िया नृत्य चल रहा है क्या लीला है आनंद लोगे खुशी होगी अंदर से आपका शरीर भी नृत्य करना चाहेगा क्यों होगा जब रहस्य खुल जाएगा और हम उपासना कर पाए शिव उपासना कर पाए यानी उनके गुणों पर मनन कर पाए गुणों पर मनन करेंगे तो वे गुण हमारे अंदर आएंगे हम सही माने में सच्चे भक्त बनेंगे तो स्टार्ट ही किए हमने उस नृत्य को समझने के लिए एक गुड़ रहस्य एक गूढ़ बात के शिवरात्रि क्यों आती है महाशिवरात्रि क्यों आती है महाशिव दिन क्यों नहीं कहा महाशिव रात्रि क्यों कहा रात्रि के साथ हम जल्दी समझ सकते हैं उस अनुभव की अवस्था को जहां कुछ नहीं है जहां कुछ नहीं है वह अवस्था समझने के लिए है दिन कहते तो सूरज चाहिए अब जब शिव अकेला था तो सूरज कहां से आएगा हमारी भाषा में दिन है यानी सूरज है सूरज नहीं था संसार नहीं था तो सूरज नहीं था तो उस महाशिवरात्रि में संसार क्रिएट हुआ नृत्य हुआ पार्वती आई शक्ति आई नृत्य शुरू हुआ और संसार बना और जो लोग नहीं समझ पाएंगे ये बातें कहेंगे खा मखा नृत्य किया <laughs> क्यों संसार बना नहीं बनता तो अच्छा होता जो दुखी है जहां ज्ञान नहीं है जहां ज्ञान है वो कहेंगे अरे बहुत अच्छा हुआ ये बहुत अच्छा हुआ शिव ने नृत्य किया ये बहुत अच्छा हुआ मगर जिनको समझ नहीं वो कहेंगे अच्छा होता नृत्य नहीं करता संसार नहीं बनता मगर उनसे पूछा जाए कि आप कहते हो कि अच्छा होता संसार नहीं बनता और संसार नहीं बनता तो आपको कैसे पता चलता कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ संसार बना तो आप सोच तो पाते हो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ संसार नहीं बना होता तो क्या आप सोच पाते कि अच्छा हुआ या अच्छा हुआ कहने वाला कौन होता उस वक्त वाकई अच्छा हुआ होता क्या वाकई अच्छा हुआ होता क्या अगर संसार नहीं बना होता बुद्धि से बड़े की बातें है ना बुद्धि पकड़ नहीं पाती सवाल तो करती है झट से मगर जब उसके सवाल पर सवाल किया जाता तो वो कहती है अरे हाँ इस तरह तो हमने सोचा ही नहीं तो शिव की आराधना वंदना जो करना चाहते हैं वे शिव के गुणों को समझे शिव की वह अवस्था समझे अपने अंदर ही समझे कि जब संसार नहीं था तब वह कैसा था तेज मौन की अवस्था में था तीसरी आंख खोली नहीं थी तेज आंख नहीं थी वह आंख खुलने के साथ बहुत कुछ होना शुरू हो गया इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं मृत्यु मृत्यु के डर से मुक्ति जीवन जीने का रहस्य मृत्यु विश्व के महान रहस्यों में से एक है मृत्यु क्यों होती है मृत्यु का डर क्यों दिया गया है क्या मृत्यु ही एकमात्र सत्य है क्या मृत्यु उपरांत जीवन है ऐसे कई सवाल हमारे अंदर होते हैं मृत्यु इस विषय को गहराई से समझने के लिए श्रवण शिविर बनाया गया है। ये शिविर अलग-अलग आयामों को समझने के लिए कई दिनों में विभाजित किया गया है, ताकि हर दिन आप किसी एक आयाम पर श्रवण करें, उस पर गहराई से मनन करें और अपने रोजमर्रा के जीवन में आत्मसात कर पाएं। ऐसे अनोखे और अद्भुत शिविर का सहज लाभ आप ले सकते हैं YouTube पर चैनल के मेंबरशिप द्वारा आज ही ज्वाइन बटन द्वारा हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल की मेंबरशिप लें